आज हम कक्षा दसवीं इकाई 6 त्रिभुज में प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करने जा रहे हैं। आकृति में डी पैरेलल एसी, ये जो डी दी है वो एसी के पैरेलल दी है, और डीएफ पैरेलल एई, ये जो डीएफ है वो एई के पैरेलल है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो अनुपात B से F का F से E के साथ, F से E के साथ होगा, वही का वही अनुपात BE का B से E का E से C के साथ होगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम लिख रहे हैं, दिया है क्या त्रिभुज ABC, एक कंप्लीट त्रिभुज ABC दिया है जिसमें DE एसी के पैरेलल यानी समानांतर है और डीएफ एई के पैरेलल, ये जानकारी हमको दी है। तो इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है, इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो अनुपात बी से एफ का एफ से ई के साथ होगा वही का वही अनुपात बी का ई से ई का सी से होगा। बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। इसकी उत्पत्ति के लिए जब हम इसकी उत्पत्ति लिखेंगे तो थोड़ी सावधानी रखें, इसकी कुछ भुजाओं को हटाते हुए हम आकृति को बनाने का प्रयास करेंगे। यही त्रिभुज हम बनाएंगे। इस त्रिभुज को हमने नाम दिया एबीसी त्रिभुज, हमारे पास है। इस एबीसी त्रिभुज में ध्यान से देखें तो हम पाते हैं एसी के समानांतर बीई है, तो हम एसी के समानांतर डीई को बनाएंगे। अभी अपन ने एक भुजा डी ए यानी कि ये भुजा डी ए और एक भुजा ए ई यानी कि ये भुजा ए ई इनको छोड़ दिया। हम लिख रहे त्रिभुज ए बी सी, पहली जानकारी दी थी डी पैरेलल ए सी। अगर डी ए सी के पैरेलल है तो हम में से सब जानते थे कि जो अनुपात किसका BD का, जो अनुपात किसका BD का DA के साथ होगा, जो अनुपात BD का DA के साथ होगा वही का वही अनुपात BE का, वही का वही अनुपात BE का EC के साथ होगा, जिसको हम समीकरण नंबर एक कहेंगे। और ये जो समीकरण एक हमारे पास आया है वो थेल्स प्रमेय या जिसको हम कहते आधारभूत समानुपातिकता के परिभाषा से आया है। तो हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, आधारभूत समानुपातिकता, प्रमेय द्वारा अपने लिखा है इसको। इस त्रिभुज की एक आकृति बनाते पुनः एक और आकृति हम इसकी बनाएंगे। उस आकृति को भी ध्यान से अगर हम समझे तो उस आकृति में कौन कौन सी भुजा बना है उसको ध्यान दें। अब मान लो उसमें हम ए ई और डी एफ भुजा को बनाए, एक भुजा हम बना रहे कौन सी ए ई और इसी के पैरेलल है डी एफ, इसी के पैरेलल है डी एफ। पूरी आकृति में से इस आकृति को यानी त्रिभुज
एएफसी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ये जो रेखांकित अपन ने आकृति की, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे, तब आपके पास में त्रिभुज एबीई में पुनः त्रिभुज एबीई। ध्यान देंगे डीएफ पैरेलल है एई के, क्या डीएफ पैरेलल है एई के। ये जो जानकारी हमने लिखी या यहां पर या यहां पर, ये दोनों जानकारी हमने डीआई से लिखी, ये भी जानकारी डीआई से और ये जानकारी भी डीआई से। अगर डीएफ एई के पैरेलल है तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि जो अनुपात बीडी का इसके साथ डीए के साथ होगा, जो अनुपात बीडी का डीए के साथ होगा वही का वही अनुपात डीएफ होगा। एफ ई के साथ होगा जिसको हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर दो, जिसको हमने लिखा समीकरण नंबर दो। और ये भी कौन से नियम से, तो ये भी आधारभूत समानुपातिकता के नियम से, आधारभूत समानुपातिकता। आधारभूत समानुपातिकता के अगर ध्यान दें हम तो बड़ी आसानी से यहां बदला सकते हैं कि समीकरण नंबर एक का बायां पक्ष है बीटी बटे डीए, समीकरण दो का भी बायां पक्ष है बीटी बटे डीए, दोनों के क्योंकि बायां पक्ष बराबर है इसलिए दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक और समीकरण दो का, यह हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक बराबर है समीकरण दो के। क्यों बराबर है, क्योंकि हम पाते हैं दोनों के बाएं पक्ष आपस में बराबर है और दोनों के बाएं पक्ष क्या है बीबी बटे डी। जब दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो निश्चित ही दोनों के दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे, यानी क्या बराबर होंगे, जो अनुपात बी एफ का, ध्यान दे जो अनुपात बी एफ का एफ ई के साथ होगा वही का वही अनुपात बी ई का ईसी के साथ अनुपात होगा। तो हम लिख सकते हैं जो अनुपात बी एफ का एफ ई के साथ अनुपात होगा वही का वही अनुपात बी ई का इसके साथ ईसी के साथ हो, और यही अपने को सिद्ध करना है। अतः सिद्ध हुआ। आज अपन ने प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 4 को हल किया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेष कल देखेंगे।